हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग आईटी जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसका हम लोग जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे ठीक है और मैं यहाँ पे टॉपर का नाम भी अनाउंस करूँगा एक्चुअली एक छोटा सा एग्ज़ाम था बट देन आल्सो टॉपर नीड्स टू बी रिवॉर्डेड ओके मतलब एक कम से कम एक फेलिसिटेशन तो होना चाहिए उनके लिए वो नाम अनाउंस करूँगा यहाँ पर और आगे भी टेस्ट का मैं क्या है वो बताऊँगा एंड इसका पूरा हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कौन सा आंसर राइट था कैसा लिखना था किसने क्या क्या मिस्टेक्स किया है वो सब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ताकि उनको भी ये इससे एनालिसिस से जो भी स्टूडेंट्स ने जो भी गलती की रहेगी वो फिर से ना दोहरा के उन लोग अच्छे से फिर से प्रोसीड करेंगे ताकि उनको अच्छे मार्क्स मिल सके ठीक है तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आई टी ऑनलाइन टेस्ट जो हुआ था ट्वेंटी वन मार्क्स का एक्चुअली ट्वेंटी मार्क्स का था पर एक मार्क्स एक्स्ट्रा हो गया था ठीक है ट्वेंटी वन मार्क्स का जो था सो so, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इस एनालिसिस पूरा एंड स्टार्ट uh, करने से पहले वही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके रखिए एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को अच्छा लगे तो एंड शेयर कर दीजिए ठीक है और समझ के लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ क्या क्या मिस्टेक्स था वगैरह वगैरह ठीक है तो यहाँ पे देखो ये जो था टेस्ट इसमें देखो कितने फोर्टी वन रेस्पॉन्स आए थे ठीक है फोर्टी वन स्टूडेंट्स ने टोटल यू कैन से चलो फोर्टी पकड़ लो किसी ने अगर जंकली ऐसा किया रहेगा तो भी फोर्टी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पेपर दिया था ठीक है तो अपीयर हुआ था तो जिसको भी अगर लिंक नहीं मिला होगा तो आप लोग कर सकते हो पर अभी मैं फा, एक फाइनलाइज फा, कर रहा हूँ यहाँ पे जो भी था दो दिन दिया था मेरे स्टूडेंट्स लोग को तो क्या जो टेस्ट था कैसा था वो आप ये करो फिर बाद में दूसरा भी नेक्स्ट पेपर आ जाएगा ठीक है सैटरडे को फिर से हम ये सैटरडे को नया टेस्ट एक रखेंगे फिर से तो हर एक वीक में अभी कैसा रहेगा टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे ठीक है तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल में ताकि आपको भी अगर टेस्ट वगैरह देख के इम्प्रूवमेंट करना रहेगा तो मैं क्या करूँगा सैटरडे को एक टेस्ट रख दिया करूँगा मंडे को उसका एनालिसिस कर दिया करूँगा ठीक है ताकि आपको पता चले कि क्या गलती रहेगा तो आपको क्या नहीं करना चाहिए गलती वगैरह वगैरह ठीक है तो यहाँ पे देखो अभी कैसा है मोड्स ऑफ पेमेंट इन यू कैन से ई कॉमर्स इंक्लूड्स कैश एंड चेक्स एंड कैश तो क्या लिखा है बहुत जनों ने uh, जैसा कि किसी किसी ने लिखा है क्या uh, त, uh, ये ई कॉमर्स किसी ने बैंक्स लिखा है किसी ने चेक्स लिखा है मैं यहाँ पे देख लेता हूँ आपको बता देता हूँ यहाँ पे ठीक है तो ये देखो यहाँ पे हाँ ये देखो क्या लिखा है बहुत जनों ने दैट इज़ बैंक ट्रांसफ़र बैंक पेमेंट क्रेडिट ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक सब एकदम अलग अलग आंसर्स लिखे हुए हैं ठीक है बहुत जनों ने तो इसका मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस बता देता हूँ कि इसका आंसर जो था प्रॉपर था इसका ट्रेडिशनल ठीक है इसका आंसर क्या था ट्रेडिशनल था और इसमें क्या करना है आपको देखो जैसे कि मैंने बोला केस सेंसिटिव जो चेक होता है आपको टाइप करना है क्योंकि फिलअप है तो आपका स्मॉल टी भी चलेगा अपने को ठीक है ना स्मॉल टी ट्रेडिशनल आपने अगर लिखा होता तो भी राइट था और किसने कैपिटल में लिखा तो भी राइट right है पर और इसके अलावा कुछ गड़बड़ किया रहेगा तो उसका आंसर मार्क्स नहीं मिलेगा जैसे देखो ये ट्रेडिशनल ये वाला ट्रेडिशनल राइट है आंसर जिसने किया रहेगा उसको राइट right मिला रहेगा या जिसने देखो इधर एक दिख रहा है देखो स्मॉल में दिख रहा है अभी देखो येलो कलर में दिख रहा है ट्रेडिशनल लिखा है तो उसको भी मार्क्स मिले रहेंगे यहाँ पे ठीक है तो ये एक था देन आपका इसके आगे जो देखो यहाँ पे आ, बता दे रहा हूँ मैं आपको हाँ तो इसमें अभी इसका जो है आगे का द आई फ्रेम क्रिएट्स एन डैश फ्रेम ठीक है तो आई फ्रेम में लोग बहुत जनों ने क्या लिखा है इनलाइन फ्रेम लिखा है ठीक है वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि फ्रेम है ऑलरेडी यहाँ पे वर्ड ठीक है ना यहाँ पे फ्रेम वर्ड ऑलरेडी है ठीक है तो इसका आंसर क्या है आपका यू कैन है यू कैन से इनलाइन देखो यहाँ पे जैसे मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या था इसका आंसर ट्रेडिशनल वैसे ही इसका आंसर था आपका इनलाइन था सिर्फ कैपिटल लिखो कि स्मॉल लिखो बता देता हूं मैं यहाँ पे देखो इनलाइन ये वाला स्मॉल या कैपिटल ठीक है तो ये ऐसा दोनों भी कोई लिखा रहेगा तो भी वो आंसर राइट है अभी यहां पे देखो द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज ठीक है अभी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन सा है देखो इसमें बच्चे लोगों ने क्या गलती किया दिखा था हूं मैं किसी किसी ने क्या लिखा है ऐसा लिखा है ऑल्ट ठीक है तो ये जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये टैग नहीं है ये एट्रीब्यूट है तो आपको सिंपल ए स्मॉल में लिखना था या आप ऐसे भी लिख सकते हो तो दोनों भी करेक्ट है तो किसी किसी ने ऐसा भी लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स एंगुलर ब्रैकेट्स में तो नहीं लिखना है नहीं लिखना है ऐसा क्योंकि टैग पूछा रहता तो ठीक है ये एट्रीब्यूट पूछा है आपको ठीक है ना तो भी इस केस में ये गलत हो जाएगा आपका ठीक है अगर आपने ऑल्ट जिसने लिखा रहेगा उसको मार्क्स मिला रहेगा अभी यहाँ पे केस एस टी एम एल केस सेंसिटिव है क्या केस सेंसिटिव मतलब आपका क्या है एस टी एम एल को हम लोग जैसा अभी फॉर एग्जाम्पल ये ए uh, है तो ए को कैपिटल से शुरू करना है क्या या फिर जैसे कि डॉलर से हम लोग केस सेंसिटिव तो ये नहीं पकड़ेंगे सिम्बॉल्स का बट देन ऑल्सो केस सेंसिटिव मतलब क्या अपर केस लोअर केस मतलब कैसा है अगर मैंने ये ऑल्ट uh, लिखा है तो ये स्मॉल से ही स्टार्ट करना है या कैपिटल से ही स्टार्ट करना है क्या ऐसा तो नहीं है एच में कैसे भी लिख सकते हो एच टी का एच ऐसा स्मॉल से भी आप चालू कर सकते हो एच का आप कैपिटल से भी ऐसे लिख सकते हो है कि नहीं तो ये इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव तो ये ऐसा कुछ नहीं है बाकी जो जावा हो गया सी प्लस हो ये सब केस सेंसिटिव है आप बोल सकते हो पर ये फॉल्स था इसका आंसर फिर बाद में यहाँ पे क्लिकेबल इमेजेस इन इमेज मैप आर कॉल्ड है स्नैपशॉट उसको स्नैपशॉट बोलते हैं क्या नहीं उसको क्या बोलते हैं हम लोग उसको हम लोग हॉटस्पॉट्स बोलते हैं ठीक है उसको क्या बोलते हैं हम लोग हॉटस्पॉट्स फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे उसको हॉटस्पॉट्स बोलते हैं तो ये भी फॉल्स आ जाएगा फिर डिक्रिप्शन कन्वर्ट्स प्लेन टेक्स टू साइफर टेक्सट नहीं ये एनक्रिप्शन का प्रोसेस है एनक्रिप्शन कन्वर्ट्स प्लेन टेक्स टू साइफर टेक्स पूछा है यहाँ पे डिक्रिप्शन है क्या तो डिक्रिप्शन क्या करता है साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स कवर करता है मतलब करता है तो इसका आंसर भी यू कैन से फॉल्स ही है अभी यहां पे देखते हैं हम लोग ये वाला वीडियो टैग इज यूज टू एम्बेड एन ऑडियो फाइल इन एस टी एम एल वेब पेज तो वीडियो टैग जो है जाहिर सी बात है हम लोग कौन सा लेते हैं हम लोग वीडियो के लिए वीडियो लेते हैं और ऑडियो के लिए ऑडियो लेते हैं ठीक है ना तो ऐसा टैग्स के बारे में पूरा लिखना पड़ेगा आपको हाँ ठीक है तो वीडियो टैग इज यूज मतलब इसमें आंसर तो नहीं है आपको फिलअप वाला नहीं है फ़िलअप होता तो आपको टैग्स एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ लिखना पड़ता था ठीक है अगर डैश टैग इज़ यूज टू एम्बेड एन ऑडियो फाइल तो एंगुलर ब्रैकेट के साथ आपको ऐसा ऑडियो लिखना पड़ता था ठीक है तो ये वीडियो टैग है तो इसका पूछा है तो इन्होंने ये भी फॉल्स आ जाएगा आपका ठीक है अभी आ जाते हैं आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट इज़ एन इमेज विथ मल्टीपल हाइपर लिंक्स इज कॉल्ड डैश ठीक है इज कॉल्ड डैश तो क्या बोलते हैं मल्टीपल हाइपर लिंक्स बोला है तो मल्टीपल हाइपर लिंक्स किस में होता है यू कैन से योर इमेज मैप में होता है ठीक है तो इसका आंसर है ये वाला इमेज मैप ठीक है इसका आंसर इमेज मैप था नाउ अभी मेटा टैग अभी आपको इधर मेटा टैग पूछा है दैट इज मेटा टैग इज प्लेस्ड इन साइड द विच ऑफ द फॉलोइंग टैग ठीक है तो आपका क्या आंसर है हेड टैग होना चाहिए क्या आंसर है हेड टैग ठीक है किसी किसी ने आई फ्रेम भी लिख दिया है ठीक है वो गलत है पता नहीं किसी ने अगर टाइम पास के लिए ऐसे ही डाल दिया रहेगा तो मैंने वैसे फिलअप्स में भी देखा है बहुत सारे आंसर ऐसे जी एच एन एस एन एन एस एस ऐसे सब डाल के रखा है मतलब ऐसी ही लिख दिया रहेगा किसी ने बट जिसने ईमानदारी से दिया रहेगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं ठीक है और मैं यहाँ पे अभी जस्ट अनाउंस भी करने वाला हूँ टॉपर का नाम भी ठीक है देन इन डैश मॉडल बिजनेस सेल इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू ए कस्टमर एक बिजनेस कस्टमर को मतलब बी टू सी आएगा इसका आंसर ठीक है ना इसका आंसर क्या आएगा बी टू सी आएगा एक ही आंसर का था अब ये टू करेक्ट आंसर्स वाले दैट इज टैग्स यूज्ड टू डिफाइन क्लाइंट साइड इमेज मैप्स आर ठीक है क्लाइंट साइड इमेज मैप्स तो क्लाइंट साइड इमेज मैप्स में क्या था आपका यू कैन से आपका क्लाइंट साइड में इमेज मैप में क्या क्या लेते हैं टैग्स आपका ये मैप लेते और इमेज लेते हम लोग ठीक है ना क्या लेते मैप एंड आई ये दोनों टैग इसका है आंसर देखो यहाँ पे आंसर टिक्स भी था ओके okay. नाउ अभी ये वाला एग्जाम्पल तो मोबाइल पेमेंट्स क्या करते हैं फोन पे गूगल पे ये सब है वही मैंने दिया था तो ये जी पे एंड फोन पे ये दोनों आएगा बाकी कुछ एग्जिस्टेंट ही नहीं है ऐसा वो मैंने ऐसे ही डाला था ठीक है देन एरिया टैग आर एस क्या एच एफ और कॉर्ड्स दो है कोऑर्डिनेट्स जो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं ठीक है सर्कल का क्या कोऑर्डिनेट्स रहेगा एरिया रेक्टेंगल लेते हैं तो रेक्टेंगल का कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से जो ये करता है एक बाउंड्री बना के देता है आपको एरिया बना के देता है एक हॉटस्पॉट रीजन बना के देता है वो और ये एच आपको किधर आपको रीडायरेक्ट करना है वो हॉटस्पॉट रीजन से दूसरे पेज पे फिर एप्लीकेशन ऑफ एम कॉमर्स ठीक है तो इसका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स इसका आंसर कॉर्ड्स और एचरएफ हुआ और इसका है एम कॉमर्स का एप्लीकेशन दो दो के दोनों क्या है दैट इज मोबाइल कॉमर्स एंड ई बिल पेमेंट ठीक है मोबाइल कॉमर्स एंड ई बिल पेमेंट ये दो आंसर इसका राइट right है ओके okay? देन आ जाएंगे इधर थ्री करेक्ट आंसर्स पे ये लास्ट वाला इज ये देखो ये फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ सिंपल सा है ये वीडियो टैग या ऑडियो टैग ओके ऑडियो टैग जो था ठीक है वीडियो टैग ऑडियो टैग वो वाला क्वेश्चन था ओके okay, एक बच्चे का कमेंट भी था कि ये सर क्वेश्चन समझा नहीं बराबर इसमें टैग नहीं स्पेसिफाई किया है ठीक है तो टैग्स का स्पेसिफाई नहीं हुआ है तो आप वैसे दोनों है तो उसमें आपने जिसने भी ऑटो प्ले लिया था म्यूटेड लिया था और लूप है उसका आंसर करेक्ट है ठीक है क्योंकि जो ये जो एट्रीब्यूट है यू नो इट ओनली कंसिस्टेंट टू द वीडियो टैग एंड ऑडियो टैग तो वो दोनों में ही था तो यू कैन से बच्चे ने एक आध दो दिया है करेक्ट आंसर उसका भी तो ऑटो प्ले म्यूटेड एंड लूप इसका आंसर है ठीक है अब आ जाते हैं हम लोग तो फोर्टी वन जन ने दिया था अब आ जाते हैं यू कैन से अनाउंसमेंट के लिए uh, जो uh, जो टॉपर है उसका मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ठीक है तो देखो इसमें श्रुति करके कोई तो है श्रुति करके एक लड़की है उन्होंने पता नहीं उनके ईमेल आईडी से मुझे नाम पता चल रहा है अभी किसका ईमेल आईडी है पता नहीं बट वो नाम है तो आप लोग जो जो श्रुति है वो आप यू कैन से यू कंसीडर एज यू आर दी आउट ऑफ स्कोरर ठीक है आपने ट्वेंटी वन आउट ऑफ ट्वेंटी वन स्कोर किया है पूरा ठीक है तो आप ऐसे ही बेस्ट प्रैक्टिस कर रखिए आप लोग और एक दूसरा एक है नाइनटीन करके उसका नाम याद नहीं आ रहा तो वो है ठीक है तो उनके ईमेल आईडी से मैं आपको बता रहा हूँ ट्वेंटी वन शी स्कोर नाव अब आप फिर से और अच्छा स्कोर करिए बाकी जो जिसमें स्कोर नहीं कर पाए हैं और हम लोग सैटरडे को फिर से टेस्ट रखने वाले हैं ठीक है तो और मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये आ, टेस्ट वगैरह और कंडक्ट करने का और टेस्ट का जो अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगता रहेगा तो मैं ऐसा हर हफ्ते ऐसा कंडक्ट करते रहूँगा ठीक है so, सो यही था स्टूडेंट्स पेपर एनालिसिस का मैं बता रहा था यहाँ पर ठीक है एंड टिल देन Uh, आप लोग uh, चैनल को सब्सक्राइब करके रखीजिए और ऐसे ही हम लोग वीडियोस करते रहेंगे अभी आईटी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी और आएंगे वीडियोस, प्रैक्टिकल डेमोज वगैरह सब uh, होगा इसमें ठीक है सो टिल देन सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड स्टूडेंट्स ठीक है थैंक यू हैव अ गुड डे